अभी मैंने लास्ट वीडियो में डेमो दिया था इसका, ऑनलाइन बाय एंड सेलिंग स्टोर एप्लीकेशन का। अभी मैं इसका कोड एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ये एप्लीकेशन मैंने जैम सर्वर में बनाई है यूजिंग PHP और MySQL, और फ्रंट एंड के लिए मैंने HTML CSS को इस्तेमाल किया। ठीक है, चलते हैं इसके कोड की तरफ। तो कोड के साथ साथ मैं ये इसकी रनिंग एप्लीकेशन को भी डिस्कस करूँगा, ताकि आपको ये भी पता चल जाए। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एक दफ़ा पहले डेमो देख लें, फिर जब मैं कोड एक्सप्लेन करूँगा तो आपको उसका वर्किंग का पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो का मेजर फोकस कोड एक्सप्लेनेशन की तरफ होगा। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखें कि मैंने ये सी ड्राइव है। सी ड्राइव में यहाँ पे जैम सर्वर है, जैम सर्वर में एडी डॉक्स है। एडी डॉक्स में ये जो मेरी एप्लीकेशन जो मैंने अभी ओपन की है, इसका नाम है OBSSTP। ठीक है, तो OBSSTP इसको ढूंढ लेते हैं, ये है। ठीक है, अब इस एप्लीकेशन को मैं वी स्टूडियो कोड में ओपन करना चाहता हूँ। आप अपनी मर्जी से जहाँ पे भी चाहें वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोड एक्सप्लेन करने के लिए मैं उस उधर यूज़ करूँगा, वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे लिखूँगा CMD, एंटर। CMD में ओपन हो गया। यहाँ पर कोड डॉट लिख के एंटर प्रेस करूँगा। CMD से हम डिजायर्ड फोल्डर में चले गए थे, और उसके बाद कोड डॉट सी लिखा, तो अब वो वी एस स्टूडियो कोड में हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। जी, ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हो रही है। तब तक हम इसको एप्लीकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए मैंने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को इस्तेमाल किया, यानी कि पहले मैंने डेटाबेस बनाई है, उसके बाद फिर इंटरफेसेस बनाए और फिर बिजनेस लॉजिक लगाई है। ठीक है, तो इससे जो है इससे एक्यूरेसी मुझे अच्छी मिलती है और गलतियों के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं डेटाबेस की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो है इसकी, एक मिनट मैं देख लूँ डेटाबेस का नाम क्या है। OBSTPDB, ये हमारी डेटाबेस का नाम है, प्रोजेक्ट के लिहाज से बनाया हुआ है। ये देख लेते हैं, यहाँ पर डेटाबेस का नाम है ये है। ठीक है, ये देखें इसमें दो टेबल्स बनाए हुए हैं, एक बायर्स का टेबल बनाया हुआ है, एक सेलर्स का टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, बायर्स के टेबल पे जब क्लिक करेंगे तो ये उसके यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, नेम है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, स्टेटस है। ठीक है, ये इसके डिफरेंट फील्ड्स बनाई हुई हैं। ठीक है, इसी तरह से जो सेलर का है, सेलर के भी जो फील्ड्स हैं वो यही हैं, यूज़र आईडी, एड्रेस, नेम, फ़ोन नंबर, स्टेटस एंड पासवर्ड। ठीक है, ये हमारी डिफरेंट जो है वो फील्ड्स हैं। ये हमारे दो टेबल्स हैं जो हमने अभी क्रिएट किए हैं। ठीक है, तो इन दो टेबल्स के अंदर देखें, आप देख सकते हैं कि डाटा भी हमारा जा रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारा हमारी एप्लीकेशन बिल्कुल ठीक काम कर रही है। लास्ट टाइम हमने इसमें इंसर्शन वगैरह की थी, यूज़र को रजिस्टर करवाया था। अभी तक क्योंकि हमारी प्रोटोटाइपिंग फेज में सिर्फ जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाना था, तो वो हमने यहाँ पे करवा दिया था। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे जो है ये हमारी एप्लीकेशन है। अब मैं आगे जो है इस कोड को देखता हूँ। ये वी एस स्टूडियो ओपन हो गया, यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करें, ये तमाम फाइल्स हमारी ओपन हो चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, डेटाबेस बनाई। डेटाबेस बनाने के बाद मैंने कॉन्फिग फाइल, कॉन्फिग डॉट PHP फाइल बनाई। कॉन्फिग डॉट PHP फाइल में क्या है, यहाँ पर हमने अपनी डेटाबेस को जोड़ना है अपनी बिजनेस लेयर से। बिजनेस लेयर क्या है, हमारी PHP की लेयर जिसमें हमने काम करना है दरअसल। ठीक है, तो कॉन्फिग डॉट PHP फाइल में हमने क्या किया, हमने SQL कनेक्ट, MySQL आई कनेक्ट का फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, उससे हमने कनेक्शन बनाया, क्योंकि मैं लोकल यूज़ कर रहा हूँ, स्टोरी लोकल होस्ट यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मैंने लोकल होस्ट दिया। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं,
यहाँ पर मैंने अपनी डेटाबेस का नाम दिया, ठीक है। अब इस सर्वर के अंदर बहुत सी डेटाबेसेस पड़ी हुई हैं, तो इनमें से मैंने ये वाली डेटाबेस को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद मैंने उसे चेक किया कि कहीं एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो वो फिर कनेक्शन क्लोज हो जाएगा और उसे बता देगा कि जो है वो DB कनेक्शन फेल्ड, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने जैम सर्वर को स्टार्ट कर लेना है। ये स्टार्ट किया, ये अभी स्टार्ट है, ये अब मैंने स्टॉप कर दिया, ठीक है। ये मेरी सबसे पहले जब आप जैम सर्वर ओपन करेंगे तो आपको इस हालत में ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जैम सर्वर स्टार्ट किया है। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन है यहाँ पे, ये लोकल होस्ट PHP माई एडमिन ओपन कर लेते हैं। लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ठीक है। ये टाइप करेंगे तो ये आपकी डेटाबेसेस आ जाएंगी, जितनी भी डेटाबेस आपने बनाई होंगी वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ से आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी डेटाबेस बनाना वो ओपन करना चाहें तो ओपन कर सकते हैं, बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने पहले की बनाई हुई है तो मैंने ये बना ली, ठीक है। तो उसके बाद जब आपने रन करना है तो आपने यहीं पे लोकल होस्ट पे उस लोकल होस्ट लिख कर फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने एप्लीकेशन का नाम, जैसे OBSTP मेरी एप्लीकेशन का नाम है, वो एंटर करेंगे तो वो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे नज़र आ जाएगी। लेकिन ये तब होगा सब जब आपने जैम सर्वर अपना स्टार्ट किया होगा, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना एप्लीकेशन का नाम, ये जो रूट पाथ है, ये वाला मेजर, ये दरअसल हमारा, हमने जो भी एप्लीकेशन बनाते हैं पहले उसका एक फोल्डर बनाते हैं HDDocs के अंदर। उस फोल्डर के अंदर जो है हम वो सारी चीज़ों को रख देते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ तक बात की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। सी ड्राइव में जैम सर्वर के अंदर, उसके अंदर HDDocs का फोल्डर होता है। HDDocs के अंदर जितनी भी आपने प्रोग्रामिंग की फाइल्स बनानी है, एप्लीकेशन बनानी है, हर एप्लीकेशन का एक एक फोल्डर बनेगा। जैसे मैंने ये OBSTP का फोल्डर बनाया, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर मैंने अपनी PHP की एप्लीकेशन बना ली, ठीक है। यही काम मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब इसको एक्सेस करने के लिए मैंने सिर्फ उसका नाम दिया, फोल्डर का नाम, तो वो फाइल सारी ओपन हो गई। अब चलते हैं आगे। ये मैंने डेटाबेस से कनेक्ट कर ली थी एप्लीकेशन, ठीक है। असल में साथ साथ मुझे ये सर्वर के साथ कनेक्ट करना भी बताना था, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली दफ़ा काम करें तो उनको नहीं पता, इसलिए जिनको पता है तो उनकी तो क्या ही बात है, अच्छी बात है, ठीक है। चलें डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। ये मैंने अपनी डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया। अब जब भी मैंने डेटाबेस को यूज़ करना है ना, मैं इस फाइल को ना इस्तेमाल करूँगा। इस फाइल का क्या नाम है याद रखें, config.php फाइल, ठीक है। अब हमारी जो पहली फाइल है वो है index.php, ठीक है। अभी के लिए मैंने इसके अंदर कोई काम नहीं किया, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बेसिक से लेके चलना चाह रहा हूँ और उसके बाद जो है वो आगे जाऊँगा, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा HTML का पेज था, उसको जो है वो मैंने डिफरेंट हिस्सों में तकसीम किया हुआ है, ठीक है। एक है ये देखें PHP इंक्लूड वंस, इंक्लूड वंस की इंस्ट्रक्शन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने अपनी कोई फाइल को इंक्लूड करवाना हो सिर्फ एक ही दफ़ा और एक ख़ास जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने header.php की फाइल को इंक्लूड करवाया हुआ है। header.php की फाइल क्या है वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आपको जो आपने पेज ओपन किया है, यहाँ पे जो आपको डिज़ाइन नज़र आ रहा है और इसके ऊपर जो है ये टाइटल नज़र आ रहा है, ये हेडर से आ रहा है। ये लोगो जो नज़र आ रहा है ये भी हेडर से आ रहा है, ठीक है। और ये जो नीचे नज़र आ रहा है कॉपीराइट्स बाय हाफिज मोहम्मद उमर है, ये फुटर है, ये फुटर से आ रहा है। और ये जो आपको दरमियान में लिंक नज़र आ रही है, ये नैव बार से आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग रखने का मकसद ये है कि वो हमारी चीज़ें जो है वो रीयूजेबल हो सकें और स्टैंडर्डाइज हो सकें, ठीक है। तो इसको आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उस पर ये स्टैंडर्ड वे है कि आप ना बार बार चीज़ों को इस्तेमाल ना करो, आप एक दफ़ा कंपोनेंट बना के रख लो, जहाँ पर ज़रूरत हो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें फिर आगे बात करते हैं जी। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले मैंने जो है वो हेडर इंक्लूड करवाया,
ठीक है। उसके बाद मेन का टैग इस्तेमाल किया, मैं एच एम एल फाइव यूज करूँ, एच एम एल फाइव में जो है मेन का टैग इस्तेमाल होता है, जो मेन कंटेंट आपने जिसमें रखना है वहां पे आपने मेन में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये सेक्शन का टैग है, जैसे आप डिव इस्तेमाल करते थे, एच एम एल फाइव में सेक्शन इस्तेमाल होते हैं डिफरेंट पार्ट्स करने के लिए किसी चीज के। तो ये मेन कंटेंट है, मेन कंटेंट के अंदर मैंने नेव वाली फाइल को इंक्लूड करवाया हुआ है। नेव वाली फाइल कौन सी है, ये जो आपको नेविगेशन के लिए ये हाइपरलिंक्स नजर आ रहे हैं ना, ये वाले, ये नेव है, ये नेव बार है, ठीक है। ये फाइल मैंने नेव में इंक्लूड करवाई हुई है, ठीक है। उसके बाद सेक्शन मेन कंटेंट हेयर, यहाँ पे मैंने टैग भी लगा दिया आप लोगों की आसानी के लिए, बताने के लिए कि जो मेन टैग है वो हमने यहाँ पर लिखना है। मेन टैग से मेन कंटेंट क्या है हमारा, जो भी हम इसके अंदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म वगैरह बनाएंगे वो सारा कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे। इसलिए मैंने अभी इंडेक्स पेज को खाली बिल्कुल रखा है ताकि मुझे कोड को एक्सप्लेन करना आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। उसके बाद देन जो है नेक्स्ट मैंने जो है वो फुटर एक्सप्लेन की, फुटर ऐड करवाया। फुटर क्या है, ये देखें, ये जो नेक्स्ट सबसे नीचे लिखा हुआ ना, ये फुटर है, ठीक है। हाफिज मोहम्मद उमर हयात, ये मेरा कॉपीराइट्स मैंने लिए हैं क्योंकि मैंने इसकी खुद एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे फुटर में ऐड करवाया हुआ, ठीक है। अब बारी बारी देखते हैं कि ये हिस्सों को तो मैंने इकट्ठा जोड़ दिया, तो ये हिस्से क्या क्या काम करें, ठीक है। अलग जाके पहले हेडर डॉट पी एच पी में देखते हैं, हेडर डॉट पी एच पी में क्या काम हो रहा है। सबसे पहला पेज जो आपको नजर आ रहा है ना, ये वाला, ये इंडेक्स पेज नजर आ रहा है, इंडेक्स डॉट पी एच पी इसका जो है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल ये नजर आ रहा है। लेकिन इसके अंदर ये जो हिस्से हैं ये अलग अलग पड़े हुए हैं, इन अलग अलग हिस्सों को अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं इंक्लूड वंस हेडर डॉट पी एच पी। हेडर डॉट पी एच पी को हमने अब देखना है कि ये क्या क्या हम इसके अंदर काम करें, ठीक है। तो अब हम आते हैं हेडर डॉट पी एच पी के ऊपर क्लिक करते हैं। ये हमारी हेडर डॉट पी एच पी यूज हो गए। इसमें सबसे पहले हमने डॉक टाइप बताई, एच टी एम एल है क्योंकि एच टी एम एल फाइव में स्टैंडर्ड है कि आप ये लिखें, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज सेलेक्ट की है, ये इंग्लिश है। करेक्टर सेट मेटा डाटा में हमने लिखा है कि मेटा टैग में करेक्टर सेट, ये जो है ये UTF-8 हमारा स्टैंडर्ड है और ये कंपेटिबल के लिए है। मेटा टैग हमने लगाए हुए हैं ये डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, इनको आप एज इट इज लिखा रहने दें। ये जो एच एम एल फाइव के लिए जो है ना ज़रूरी होते हैं, और फिर जब आप कंपेटिबल करते हो UX UI डिज़ाइनिंग के लिए डिफरेंट डिवाइसेस के लिए, तो तब ये काम आते हैं। फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ेंगे, ठीक है। ये जो व्यू पोर्ट का मेटा टैग है ये इस्तेमाल होता है जब डिफरेंट डिवाइसेस में वो कैसे यूज होगा, ठीक है। लेकिन अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करें क्योंकि अभी हमने स्टैंडर्ड बनाया है सिर्फ अपनी एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ हम उसको देखेंगे, ठीक है। उसके अंदर यहाँ पर हमने अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ इंक्लूड करवाई हुई है लिंक के अंदर, स्टाइल शीट डॉट सी एस एस फाइल। ये स्टाइल शीट डॉट सी एस एस फाइल को हमने क्यों इंक्लूड करवाया, इनको इसको हमने इंक्लूड इसलिए करवाया, कोई भी हमने स्टाइल बनाया ना, ये देखें, जैसे ये स्टाइल मैंने बनाया है, ठीक है। अब दूसरे पेजेस में जाए, हर जगह पे यही आपको स्टाइल नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड वे है, तो मैंने इसको बजाय इसके कि हर पेज में अलग अलग बनाने के, मैंने इसको एक एक्सटर्नल CSS में ऐड कर लिया और वहां पर मैं उसको यूज करूँ, ठीक है। तो ये हमारी मेजर जो चीज है स्टाइल डॉट सी एस एस, वो ये है, ठीक है, जिसमें आप सी एस एस अप्लाई करें, ठीक है। तो इसको अब हम देख लेते हैं, स्टाइल डॉट सी एस एस पर क्लिक करते हैं। ये देखें, स्टाइल डॉट सी एस एस में इतना ज़्यादा काम नहीं किया हुआ, ठीक है, लेकिन शुरू के लिए काफ़ी है, ठीक है। हेडर हेडर के लिए स्टाइल किया हुआ है, उसके बाद मेन कंटेंट के लिए पैडिंग दी हुई है, सेक्शन के लिए सेक्शन बैकग्राउंड वगैरह सारा कुछ उसके प्रॉपर्टीज़ को एट्रीब्यूट और वैल्यूज़ को सेट किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से फुटर के लिए बताया हुआ है, फिर मीडिया क्यूरी, मीडिया क्यूरी जब आप डिफरेंट साइजेस के लिए काम करें तो तब इस्तेमाल होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये डिफरेंट साइजेस के लिए हमारे हेडर और फुटर चेंज हो सकता है, इसलिए मैंने उसके स्टाइल को डिफरेंट किया, ठीक है। हेडर और फुटर जो है जब वो साइज़ हमारा इस तक पहुँच जाएगा तो ये जो है ये सेंटर अलाइंड हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह से काम करा। और हाइपरलिंक के लिए जो है वो हमने ये यूज़ किया है, ये हाइपरलिंक अगर लिंक को विजिटेड हो, होवर हो,
और एक्टिव हो, तो उस सारी सूरतों में मैंने इस पे काम किया, ठीक है। और एरर की सूरत में एरर को मैं एक एक क्लास बनाई है जो कलर उसका रेड कर देती है, ठीक है। तो इस तरह से ये सिंपल सी एक स्ट्राइक शीट बनाई है, आप इसको मज़ीद चेंज कर सकते हैं, मज़ीद इन्हेंस कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। अच्छा जी, सी एस एस अप्लाई की, सी एस एस अप्लाई करने के बाद अब जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लास बनाई है रो, रो को मैंने बताया क्लास ऑफसेट, एक मिनट जी, ठीक है। ये क्लास लोगों की क्लास है, लोगों की क्लास में मैंने जो है वो क्या किया है, ये स्टोर डॉट PNG ये मैंने लोगो लगाया और साथ इसकी विड्थ और हाइट को भी मैंने फिट कर दिया। एक मिनट, इसको मैं बंद कर देता, ठीक है। चले अब ये फुल पेज पे आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा हमारी एक रो है, ठीक है। ये एक रो हमने ऐड करवा दी है, ठीक है, इस हेडर के अंदर। इस हेडर में रो में क्या चीज़ आ रही है, रो में आ रही है एप्लीकेशन का इमेज और लोगो, लोगो और जो है उसका टाइटल आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड डिव बना सकते हैं, लेकिन मैंने उसके अंदर नहीं बनाई। ये एक रो के अंदर आप कह लें कॉलम्स हैं, ठीक है। तो सेकंड कॉलम मैं बना रहा था, लेकिन फिर मैंने कभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये हमारा ये जो पहला आपको हेडर नज़र आ रहा है ना, ये जो ऑनलाइन बाय एंड सेलिंग स्टोर, ये हेडर में बना हुआ है। तो इसके अंदर इमेज भी लगाओ और साथ टाइटल लगाओ, ये मैंने चीज़ यहाँ पे बना ली। समझ के करेंगे तो आपको बहुत चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हमने हेडर बना लिया, हेडर के बाद अब चलते हैं वापस इंडेक्स में, ठीक है। इसको मिनिमाइज रखते थे, ठीक है। अच्छा, अब नेव डॉट PHP में आते हैं। नेव डॉट PHP में क्या काम हो रहा है, हाइपर लिंक्स लगे हुए, ठीक है। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। नेव डॉट PHP में जाते हैं, नेव डॉट PHP, ये नेव डॉट PHP, ठीक है। नेव डॉट PHP में क्या है, नेव डॉट PHP में सिंपल हाइपर लिंक्स लगे हुए हैं, ठीक है, नेव टैग के अंदर, ठीक है। ये HTML5 यूज़ करें तो HTML5 में ये टैग्स हैं, नेव टैग, मेन, हेडर, फुटर, ये सारे उसके हैं टैग्स, ठीक है। तो ये HTML इंडेक्स डॉट होम पे जो है इंडेक्स डॉट PHP है, लॉगिन के लिए लॉगिन डॉट PHP, रजिस्टर बाय बायर के लिए आप साइन अप बायर पे क्लिक करेंगे, और सेलर अकाउंट के लिए साइन अप सेलर पे क्लिक करेंगे। सेलर डॉट PHP का पेज बनाया हुआ, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पेजेस बने हुए हैं। उसके बाद वापस आप एक और पेज रह गया लिंक फुटर का, ठीक है। फुटर पे आते हैं, फुटर पे सिर्फ मैंने फुटर के टैग के अंदर कॉपीराइट्स और ये कॉपीराइट का सिंबल है और साथ लिख दिया अपना नाम, ठीक है। आप अपनी मर्जी से अपना भी लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है, एज यू विश, लेकिन अगर आपने खुद बनाई है तो, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ तक बात समझ आ गई आपको। हमने डिस्कस कर लिए हैडर, फुटर, इंडेक्स पेज और नैव बार, और हैडर भी डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं इस पोजीशन में आए कि हम जा सकें कि रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर पहले, ठीक है। सबसे पहले जो है ना हमने काम करना है, जो हमारी एप्लीकेशन है, ये देखें, ये हमारी एप्लीकेशन ओपन हुई है। ये होम पेज है, ये बिल्कुल ब्लैंक बनाया ताकि स्टूडेंट को बताने के लिए सिर्फ, ठीक है। अब हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन एज बाइड करते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एज बाइड देखें, ऊपर पेज देखें, पेज का नाम क्या है, साइन अप बायर डॉट PHP, ठीक है। अब हम इस पेज पे जाके इसको हम डिस्कस करने लगे हैं, हाँ, साइन अप बायर डॉट PHP, ये वाला पेज मैंने ओपन कर लिया। इसको देखें, यहाँ पर सबसे पहले वही हेडर और नेव बार्स वैसे लगा दी हैं। अब यहाँ पे इस सेक्शन में जब मैंने स्टार्ट किए, सबसे पहले मैंने फॉर्म बनाया है, क्योंकि मैंने फॉर्म एलिमेंट्स को इस्तेमाल करना है, तो फॉर्म बनाया। फॉर्म में एक मेथड है पोस्ट, फॉर्म के डिफरेंट मेथड्स हैं, गेट, पोस्ट, अपडेट, डिलीट, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो पोस्ट मेथड इस्तेमाल करें, क्योंकि हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजनी है, ठीक है। और जब हमने रिक्वेस्ट भेजनी है, किस पेज पे भेजनी है, बायर अंडरस्कोर साइन अंडरस्कोर प्रोसेस डैश प्रोसेस डॉट PHP, इस पेज पर मैंने इसको हिट करवाना है, ठीक है। तो यानी कि जब मैं इस यहाँ पे एंटर करने के बाद इस साइनअप पे बटन पे क्लिक करूँगा ना,
तो ये जो सारा डाटा होगा ना फॉर्म एलिमेंट का डाटा इस पेज पर जाएगा, ये बात आपने देखनी है, ठीक है। और नीचे देख लें, नीचे मैंने एक टेबल बनाया मेन सेक्शन के अंदर, ये टेबल बनाया, टेबल के अंदर नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड और उसके साथ हमने इनपुट टाइप्स लगाई, क्योंकि हम इनपुट टाइप टेक्स्ट है उससे हम वैल्यूज ले रहे हैं, ठीक है। इनपुट टाइप टेक्स्ट, यूजर आईडी, ये सारे, और साथ मैंने लिख दिया रिक्वायर्ड, यानी कि ये खाली नहीं हो सकती, ठीक है। तो सारी चीज़ें हमने उसकी ले ली टेबल के अंदर, एक एक रो, ये एक रो है, ये एक रो है, एक रो के अंदर सबसे पहले स्पैन टैग नेम लिखा है जो भी हमें चाहिए, स्पैन टैग लगाया, स्पैन टैग एरर को शो करवा रहे हैं, उसके बाद इनपुट टाइप टेक्स्ट उसका नाम दे दिया नेम, ठीक है, उसको फील्ड प्रॉपर्टीज की सेट कर दी रिक्वायर्ड, यानी कि ये लाजमी है। इसी तरह से सारों को करने के बाद जब ये आखिरी फील्ड में जाएगा, यहाँ पे ये सबमिट का बटन है, ठीक है। जब हम सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, सबमिट का नाम क्या है, साइन अप, ठीक है। हमने इस पर क्लिक किया तो इसने नेविगेट हो जाना है इस बाइड साइन अप प्रोसेस डॉट पी एच पी की तरफ, ठीक है। तो अब हम बाइड साइन अप डॉट पी एच पी की तरफ जाते हैं, यानी कि यहां से डाटा जाएगा बाइड बाइड प्रोसेस की, बाइड साइन अप प्रोसेस की तरफ इस पेज में। अब हम इस पेज में चले गए, ठीक है। हमने मैंने आसानी के लिए जो है ना ये इस पेज को अलग रखा है, वरना आप इस पेज को उस पेज के साथ ही रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि उसके अंदर ही हम ये काम कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी आसानी के लिए इसको सेपरेट किया ताकि आप कोड जो है वो बहुत आसानी से समझ आ सके, ठीक है। लेकिन आपने करना जब खुद है तो आप इसको अलग भी कर सकते हैं और इकट्ठा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिल वक्त मैंने इसको अलग किया। अच्छा जी, यहाँ पे मेन टैग में वो फाइलें वगैरह इंक्लूड करवाई हैं, ये अभी हमारा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये पहले हमने डिस्कस किया, असल चीज़ ये है। ये देखें यहाँ पर लाइन नंबर 16 पे आपने फोकस करना है, जो स्टूडेंट बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इज सेट पोस्ट साइन अप, हमने साइन अप के बटन पर क्लिक किया था, उसका जो सबमिट बटन था उसका नाम था साइन अप बटन, ठीक है। जब मैंने उस पर क्लिक किया तो हम उसको चेक करें, ये जो इज सेट की प्रो का फंक्शन है ना, ये क्या चेक करता है, ये चेक करता है कि इस पर क्लिक हुआ है कि नहीं, यानी कि किस बटन पर क्लिक हुआ है। देखें जैसे यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करूंगा तो ये उस जगह पे जाएगा, तो ये इस ये जो बटन है इसका नाम साइन अप है, तो इस पे हम देख रहे हैं क्लिक हुआ है कि नहीं। जब क्लिक होगा तो क्या करेंगे, पोस्ट का सारा डाटा ला के हमने डाटा में डाल दिया, और फिर उस डाटा को हम चेक करें, डाटा का नाम एम्प्टी तो नहीं है, पासवर्ड एम्प्टी तो नहीं है, यूजर आईडी एम्प्टी तो नहीं है, रीटाइप पासवर्ड एम्प्टी तो नहीं है। ये मैंने एक इजाफी चीज चेक की है, ये हालांकि हमने फ्रंट एंड में भी रिक्वायर्ड लगाई हुई है वैलिडेशन कि आप एंटर ना करें, लेकिन अगर वो उसको यूजर उसको बाईपास करने की कोशिश करता तो वो यहाँ पे पकड़ा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमारी जो प्रोग्राम है वो क्रैश कर जाएगा, यानी क्लोज हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसके लिए हमने इससे ये काम किया। लेकिन अगर उसका ये काम हो जाता तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हम चेक करें पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड को मैच करें, कि अगर पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड बराबर नहीं है, यानी कि होने चाहिए बराबर, अगर बराबर नहीं है तो हम उसे बताएंगे कि पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड शुड बी मैच, ठीक है, मैच होने चाहिए। अगर ये बराबर है, अगर बराबर नहीं है तो ये मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब है अब वो बराबर है, अगर वो बराबर है तो वो हम फिर नीचे स्टेप में चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, जो डाटा है हमारा नेम पोस्ट से आ रहा था ना, हमारा डाटा पोस्ट मेथड के जरिए हमने नेम लिया, नेम लेके इस वेरिएबल नेम में डाल दिया, यूजर आईडी लिया, यूजर आईडी लेके इस वेरिएबल यूजर आईडी में डाल दिया, पासवर्ड लेके पासवर्ड में डाल दिया, रीटाइप पासवर्ड में, एड्रेस एड्रेस में, और फोन नंबर लेके फोन नंबर में, और ये एक वेरिएबल इजाफी है एक्टिव स्टेटस का, इसको बाद में हम एक्टिव ब्लॉक और डीएक्टिवेटेड ये इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने इसको फिलहाल एक्टिव ही रखा है, यूजर जो भी है वो एक्टिव है, ठीक है। उसके बाद सिंपल यहाँ पे एक इंसर्ट की क्यूरी लगाई हुई है, इंसर्ट की क्यूरी हमने क्यों लगाई है, क्योंकि हमने टेबल में डाटा डालना है, जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, डेटाबेस के टेबल में डाटा डालना, ठीक है।
टेबल का नाम है बाइड, ये उसके कॉलम्स हैं, ये कॉलम्स हैं ठीक है, और उनकी वैल्यूज जो हैं वो ये आ रही हैं ठीक है। वैल्यूज आपकी ये देखें, यहाँ से फ्रंट एंड से वैल्यूज आ रही हैं, फ्रंट एंड में जो उसने यूजर डाटा पुट किया था वो पोस्ट के जरिए इन वेरिएबल्स में आ गया, पोस्ट मेथड के जरिए हमने वैल्यू ली थी ना, लेके इनके अंदर आ गया, इनके अंदर आके हमने उसे फिर ये वैल्यूज पास कर दी ठीक है। ये यहाँ पे हमने वैल्यूज पास कर दी है ठीक है, ये वैल्यूज पास कर दी है, तो इस तरह से वो चीज़ हमें जो है वो डेटाबेस में ये क्यूरी हमने बना दी, और ये क्यूरी यहाँ पे हम उसे चला रहे हैं। इस फंक्शन के कॉल होने से जो है हम उस कनेक्शन के अंदर उस क्यूरी को चला रहे हैं, और वो क्यूरी के चलने से क्या होगा कि डेटाबेस के टेबल बाइट्स के अंदर डाटा इंसर्ट हो जाएगा ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा मैसेज आ जाएगा यूजर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ठीक है। अब ये देखें ये मैसेज कहाँ पे आएगा, ये मैसेज आएगा बाइट साइन अप पेज प्रोसेस के ऊपर ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा कर भी लेते हैं, मिसाल के तौर पर B2 कर लेता हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए। साइन अप पे देखना क्लिक करें, ऊपर देखें ये हमारा साइन अप बाय डॉट पीएचपी का पेज, जब मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ ये देखें अब ये बाय साइन अप प्रोसेस वाले पेज पे चला गया और यूजर इज रजिस्टर सक्सेसफुली हो गया ठीक है। ये सारा काम मैंने अभी किया है, इसको समझ लें, नहीं समझ आती वीडियो को दोबारा देख लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी ठीक है। अब सेम काम हमने, यही काम जो है वो हमने सेलर के लिए करना है। आप लोगों की आसानी के लिए मैंने अलग अलग टेबल भी बनाए हैं, अलग अलग पेजेस भी बनाए हैं, वरना यही काम आप एक पेज पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया ताकि मेरा मकसद है दूसरों के लिए आसानी पैदा करना ठीक है। उसके बाद रजिस्टर है सेलर के ऊपर क्लिक किया ठीक है, सेलर के ऊपर भी यही काम है, ये देखो साइन अप सेलर डॉट पी एच पी, यही सारा फॉर्म हम फिल करेंगे, फिलअप करने के बाद साइन अप पे क्लिक करेंगे और वो हम उधर चले जाएंगे। अब जाते हैं इस पेज के ऊपर साइन अप सेलर डॉट पी एच पी, जी ये देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोस्ट मेथड में फॉर्म में पोस्ट मेथड है, एक्शन में हमने बताया सेलर साइन अप प्रोसेस डॉट पी एच पी का पेज, हमने उस पे जाना है पोस्ट मेथड के लिए डाटा भेजना है, डाटा कौन सा भेजना है वो हमने ये बता दिया, नाम ये वही वाला फॉर्म जो हमने पहले डिस्कस किया था वही फॉर्म है। जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे ये देखें पेज इस सबमिट के बटन का नाम है साइन अप पेज ठीक है, और ये कहाँ पे जा रहा है सेलर डैश साइन अप डैश प्रोसेस पर। जी यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, ये देखें सबसे पहले चेक करूँ कि साइन अप के बटन पर क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ इस लाइन नंबर 16 में ठीक है। उसके बाद फिर करूँ कि वो जो डाटा सारा आया पोस्ट मेथड के जरिए उसको डाटा में डाल दिया, फिर डाटा में देखा नेम पासवर्ड यूज़र आईडी रीटाइप पासवर्ड एम्प्टी तो नहीं है, अगर एम्प्टी नहीं है, अगर सॉरी अगर एम्प्टी है तो उसे हम बता देंगे कि आपने फील्ड एंटर करनी है। उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में देखना है कि क्या पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड मैच हैं, यहाँ पे लिखा हुआ मैच नहीं है नॉट इक्वल ठीक है, नॉट इक्वल, अगर नॉट इक्वल होंगे तो हम उसे कहेंगे भाई पासवर्ड और रीटाइप पासवर्ड अगेन एंटर करो, वो सेम होने चाहिए। देन हमने पोस्ट नेम के जरिए वैल्यू लेके नेम में वेरिएबल में डाल दी, यूजर ये सारी वैल्यूज लेके पोस्ट मेथड के जरिए वैल्यूज आ रही हैं, हमारे पोस्ट ऑब्जेक्ट के जरिए वैल्यूज आ रही हैं, उनको हम इन वेरिएबल्स में पुट करें ठीक है। वेरिएबल्स में पुट करने के बाद उसके बाद सिंपली मैंने जो है वो इंसर्ट इनटू सेलर्स के टेबल में मैंने इन कॉलम में वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज ये क्यूरी बनाई और इस क्यूरी को यहाँ पर एग्जीक्यूट करवाया।
यहाँ पर जो है जब ये एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पर जो है हमारा डाटा डेटाबेस में इंसर्ट होगा, ठीक है। इंसर्ट होने के बाद यूज़र इज रजिस्टर सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। आप इस मैसेज को चेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक होगी बात। अब हमारा साइन अप का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब लॉगिन का प्रोसेस है। लॉगिन के प्रोसेस में अब देखें दो चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि बायर अकाउंट है या सेलर अकाउंट है, उसके मुताबिक काम करना है। अब अगर बायर अकाउंट है या सेलर अकाउंट है, उसके बाद उसके टेबल को देखेंगे और फिर जो है हम वहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन के प्रोसेस में सिलेक्ट की क्यूरी लगती है, इंसर्ट की क्यूरी आपने लगा ली जब डाटा डाल दिया। अब आपने डाटा लेना है, डाटा लेने के लिए आप सिलेक्ट की क्यूरी को इस्तेमाल करते हैं। और अगर बायर होगा तो बायर के टेबल में हम सिलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे, अगर सेलर होगा तो सेलर के टेबल में सिलेक्ट की क्यूरी लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम इस पेज पे चलते हैं। इस पेज का नाम क्या है? लॉगिन डॉट पीएचपी। जी मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अच्छा जी, ये देखिएगा, यहाँ पे देखें सेक्शन में, सेक्शन के अंदर ये फॉर्म बनाया पोस्ट मेथड, और पोस्ट मेथड में अब इस दफ़ा हम कहाँ पे जा रहे हैं डाटा लेके? लॉगिन प्रोसेस डॉट पीएचपी में, ठीक है। उससे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें टेबल के अंदर एक रो बनाई, रेडियो बटन लगाया। रेडियो बटन में मैंने बताया यूज़र टाइप, यूज़र टाइप जो है वो मैं बता रहा हूँ, इस सेट यूज़र टाइप जो है वो देखो, अगर बायर है तो बायर की चेक कर दो, अगर जो है वो सेलर है तो सेलर की आपने यूज़र आईडी चेक करनी है, चेक कर ली। यूज़र टाइप, सॉरी, यूज़र टाइप आपने सेलेक्ट कर ली। इस रेडियो बटन का नाम क्या है ये आपने याद रखना है, जो हमने बैकएंड पे इस्तेमाल करना है। बैकएंड पे हम ये नेम की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद यूज़र आईडी का नाम है, यूज़र आईडी और पासवर्ड है, पासवर्ड, ये दो फील्ड्स हैं। और सबमिट का बटन है नेम लॉगिन, सबमिट के बटन का क्या नाम है? लॉगिन। ये जो नेम की प्रॉपर्टी है ना, ये हम बैकएंड में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो अब हम जाते हैं लॉगिन प्रोसेस की तरफ, लॉगिन प्रोसेस, ठीक है। अब हम इधर आते हैं, इधर देखें, हमने पोस्ट मेथड में सबसे पहले चेक किया है पोस्ट मेथड के जरिए लॉगिन के ऊपर क्लिक हुआ है कि नहीं हुआ, वहाँ से हमारा डाटा आ रहा है पोस्ट सब्जेक्ट के जरिए, यानी कि क्लिक हुआ है। जी क्लिक हो गया, क्लिक हो गया तो क्या करो, पोस्ट मेथड पोस्ट ऑब्जेक्ट के जरिए ये जो यूज़र टाइप है इसकी वैल्यू लेके इस वेरिएबल में डाल दो, यूज़र आईडी की वैल्यू लेके इधर डाल दो, पासवर्ड की वैल्यू लेके पासवर्ड में डाल दो, ठीक है। अब हम चेक करें इफ़ यूज़र टाइप बायर, अगर यूज़र टाइप बायर है तो क्या करना है, क्या करोगे? सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम बायर वेयर यूज़र आईडी इज दिस एंड पासवर्ड इज दैट, ठीक है। बायर के टेबल में जाओ, जो यूज़र आईडी जिसका ये है और पासवर्ड ये है, उसका सारा डाटा ला के मुझे दे दो, ठीक है। ये मैंने क्यूरी लिखी, इस क्यूरी को मैंने पास किया यहाँ पर, MySQL आई एक क्यूरी का फंक्शन है, इसके अंदर मैंने करेक्शन और क्यूरी को पास किया, उसका जो रिजल्ट है वो मैंने रिजल्ट वेरिएबल में डाल दिया। उसके बाद देखा रिजल्ट जो है वो अच्छा, टेबल से डाटा आया, अगर टेबल में डाटा होगा तो डाटा आएगा, अगर यूज़र आईडी सही है तो डाटा आएगा, ठीक है। अगर यूज़र आईडी सही नहीं है तो फिर डाटा तो नहीं आएगा, है ना। टेबल में मिसाल के तौर पे अली का डाटा ही नहीं पड़ा हुआ, तो मैंने अभी इकराम और इनाम किए लेकिन अली तो किया नहीं है, तो अगर मैं अली यूज़र आईडी लिखूं, पासवर्ड भी Ali123 लिखूं और एक्सेस करूं तो हो जाएगा? नहीं होगा ना। वो क्यों नहीं होगा? वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि डाटा नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर मेक श्योर करें, रोज़ देखो, रिजल्ट के अंदर जाओ, उसकी रोज़ देखो, ज़ीरो से ज़्यादा है, ज़ीरो से ज़्यादा है इसका मतलब डाटा मौजूद है, ठीक है। मौजूद है तो क्या करो, सेशन स्टार्ट कर दो उसका, ठीक है। सेशन जो है ये हम आगे डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट फेजेस में। जब आपने एक पेज से डाटा दूसरे पेज में लेके जाना होता है तो वो हम सेशन इस्तेमाल करते हैं। ये सेशन हमारे बहुत ज़्यादा काम आता है। मिसाल के तौर पर अभी आप शॉपिंग करने लगे तो आप कहें देखें कि कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है और वो क्या क्या शॉपिंग करता है, तो वो तभी होगा ना जब आपको उसका आईडी याद होगा। तो ये वो सेशन जो है ये उसका आईडी याद रखता है, ठीक है। यहाँ पे हमने यूज़र आईडी को लिया जो हमारा था, उसको हमने सेशन में डाल दिया और फिर हम इस पेज में नेविगेट हो गए।
ये जो हेडर का फंक्शन है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये हमारा एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए इस्तेमाल होता है, नेविगेशन के लिए। और जब आपने डाटा लेके जाना हो तो आप सेशन इस्तेमाल करते हैं। डाटा लेके जाने के लिए सेशन भी इस्तेमाल हो सकता है, क्यूरी स्ट्रिंग भी इस्तेमाल हो सकता है, कुकीज़ भी इस्तेमाल, बहुत से तरीके हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम सेशन को इस्तेमाल करें हैं, ठीक है। अच्छा जी, अगर वो जो है सेशन स्टार्ट हो के वो बाय अकाउंट डॉट पी एच पी में चला जाएगा, यहाँ तक ठीक होगी बात। अगर डाटा खाली नहीं है यानी कि पासवर्ड उसका यूजर आईडी पासवर्ड ठीक है, अगर यूजर आईडी पासवर्ड रॉन्ग है तो हम क्या करेंगे, एस में चले जाएंगे, रॉन्ग यूजर आईडी और पासवर्ड, ये उसको मैसेज आ जाएगा। यही काम हम यूजर टाइप सेलर के साथ करें। यूजर टाइप सेलर अगर होगी तो हम, फर्क क्या है, हम सेलर के टेबल में जा रहे हैं, वहां पे हम क्यूरी लगा देंगे, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेलर वी आर यूजर आई डी दिस एंड पासवर्ड दैट, और उसके मुताबिक सारा डाटा ला के तो हम जो है वो सेलर में जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आती होगी, ठीक है। और हम उसके बाद फिर हम सेलर अकाउंट या उसके अंदर चले जाते हैं। असल में ये यहाँ तक हमारा मेजर काम था, उसके बाद जो हमने बाय अकाउंट डॉट पी एच पी में हम जाते हैं, ठीक है। इधर हमने कुछ भी नहीं किया हुआ, ठीक है। इस बाय अकाउंट डॉट पी एच पी में सिर्फ एक काम किया है, जो सेशन हमारा आ रहा है ना उसको लेके उसका नाम शो करवाया हुआ। जैसे यहाँ पे ये देखो, ये देखें सेलर पे क्लिक हुआ हुआ है, इनाम मेरा यूजर आईडी पासवर्ड उसका मैंने लिखा है। अब मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, अब ये देखें सेलर अकाउंट में चला गया, यहाँ पे उसका नाम आ रहा है, ठीक है। ये नाम हमने प्रिंट करवाया और कोई काम नहीं किया, साथ लॉग आउट का बटन है, ठीक है। सेशन को स्टार्ट किया, सबसे पहले देखा सेशन खाली तो, अगर नल है तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सेशन का लेके यूज़र आईडी लेके हमने वेरिएबल में डाल दिया और उसे वेलकम कर दिया। पिछले पेज में जब हम लॉगिन पेज में गए थे तो लॉगिन प्रोसेस में हमने क्या किया था, देखें लॉगिन में हमने ना यूज़र आईडी सेशन में डाला था और पेज में चले गए थे। अब हम उस सेशन से वैल्यू ले रहे हैं, ये देखो सेशन से वैल्यू लेके वेरिएबल में डाल दी और उसको हमने जो है वो वेलकम में प्रिंट करवा दी। इस तरह से हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया होगा। काम मेरा, मेहनत की है, लॉग आउट कर दिया अब मैंने इसे, ठीक है। काम मेरा पसंद आया होगा। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अगर इसमें ज़ाहिर बात है इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा। शुक्रिया आपका, अस्सलाम वालेकुम।